Hello everyone, welcome to class number 71 of the chapter Programming Using C. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में. तो आज का हमारा टॉपिक है हेडर फाइल एंड लाइब्रेरी. ये हेडर फाइल क्या है, ये लाइब्रेरी क्या है, इसको हम हमारे सी प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो चलिए पहले जानते हैं हेडर फाइल के बारे में कि हेडर फाइल क्या है. तो जैसे कि आप देखे होंगे हम कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे हम लिंक सेक्शन में, हमारे सी प्रोग्राम के लिंक सेक्शन में हम कोई ना कोई हेडर फाइल को लिंक करते हैं बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर. ओके, तो वहां पे जो हेडर फाइल्स हम लिंक करते हैं, हेडर फाइल्स को हम वहां पे क्यों लिंक करते हैं, उन हेडर फाइल्स के अंदर जो कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उन प्री डिफाइंड फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए हम यूज करते हैं वहां पे हेडर फाइल्स को, या फिर लिंक करते हैं हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के अंदर. जैसे कि हम हर एक प्रोग्राम में जैसे भी करके stdio हेडर फाइल को यूज करते हैं. तो stdio हेडर फाइल को हम क्यों यूज करते हैं, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम जो printf फंक्शन, scanf फंक्शन यूज करते हैं, ये printf फंक्शन, scanf फंक्शन एक एक तरह के लाइब्रेरी फंक्शंस हैं या फिर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस को की डिक्लेयर किया गया होता है हेडर, किस हेडर फाइल में, stdio हेडर फाइल में. और अगर ये सारे फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जिस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिंक करना पड़ेगा उस हेडर फाइल को हम बोलेंगे stdio.h हेडर फाइल. ओके, इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिंक करेंगे तब जाके इस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किया गया सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, तो पता चल गया हेडर फाइल्स क्या है, हेडर फाइल्स हम क्यों यूज करते हैं. हेडर फाइल्स कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स हैं जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं, जिन फंक्शंस को कि हम हमारे प्रोग्राम में जब चाहें जहां चाहें यूज कर सकते हैं. ओके, तो इन सी लैंग्वेज हेडर फाइल्स आर द फाइल्स दैट कंटेन्स द सेट ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस. जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फंक्शन दो तरह के होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. यूजर डिफाइंड फंक्शंस तो प्रोग्रामर अपने मर्जी से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करता है, पर लाइब्रेरी फंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी डिफाइन किए गए होते हैं, ऑलरेडी डिक्लेयर किए गए होते हैं. हम सिर्फ उसको जहां पे हमें जरूरत है वहां पे हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करके यूज करते हैं. लाइब्रेरी फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस व्हिच आर डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड व्हिच आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड प्रीवियसली बाय द हेडर फाइल्स. हेडर फाइल्स के अंदर इस तरह के फंक्शंस को हम ऑलरेडी डिक्लेयर किए होते हैं, डिफाइन किए होते हैं और उसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं हमारे सी प्रोग्राम के अंदर जहां पे हमें चाहिए वहां पे हम इसको कॉल करके यूज करते हैं. ओके, तो पता चल गया लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है और इन्हीं लाइब्रेरी फंक्शंस को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लाइब्रेरी फंक्शंस जिस तरह के हेडर फाइल्स में अटैच किया गया है या फिर डिफाइन किया गया है या फिर डिक्लेयर किया गया है उसी हेडर फाइल्स को हम हमारे प्रोग्राम में लिंक करेंगे तब जाके उस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उन सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ओके, तो पता चल गया हेडर फाइल्स क्या है. तो ये हेडर फाइल्स हमें सी प्रोग्राम में क्यों प्रोवाइड किया जाता है. दिस हेडर फाइल्स आर प्रोवाइडेड इन सी टू मेक आवर प्रोग्राम डेवलपमेंट इजियर. हमारा जो प्रोग्राम डेवलपमेंट है, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामर अगर कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहा है, कोई प्रोग्राम लिख रहा है, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट को थोड़ा आसान बनाने के लिए, थोड़ा इजियर करने के लिए ये सारे हेडर फाइल्स को हमें प्रोवाइड किया जाता है सी प्रोग्राम में. ओके, तो कोई भी हेडर फाइल्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं उनमें से कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में लिंक करना पड़ेगा. लिंक करने कोई भी हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिंक करने के लिए हम यूज करते हैं हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर को. तो अगर कोई भी हेडर फाइल को हम हमारे प्रोग्राम में लिंक करना चाहते हैं तो कोई भी हेडर फाइल को हम हमारे प्रोग्राम में लिंक कर सकते हैं बाय यूजिंग हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर. ओके,
तो सपोज जैसे कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, जिस प्रोग्राम में मुझे सपोज यूज करना है प्रिंटएफ फंक्शन। ओके, तो ये प्रिंटएफ फंक्शन जिस हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है, उस हेडर फाइल को मैं अपने प्रोग्राम में लिंक करूंगा, तब जाके मैं इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर पाऊंगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो काम है उस काम को करने के लिए। ओके, तो इस हेडर फाइल को, मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन जिस हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है, उस हेडर फाइल को अगर मैं अपने प्रोग्राम में लिंक करना चाहता हूं, तो कैसे लिंक कर सकता हूं? बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर। ओके, और जिस हेडर फाइल को लिंक करेंगे, उस हेडर फाइल का नाम, और उसके बाद हम यूज करेंगे .h एक्सटेंशन। जैसे कि हेडर फाइल एक फाइल है, तो हेडर फाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस एक्सटेंशन के द्वारा? .h एक्सटेंशन के द्वारा। ओके, तो ऐसे बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स हैं, जिनके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस डिक्लेयर किया गया है। जिस फंक्शन को हम यूज करना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन जिस हेडर फाइल में डिक्लेयर किया गया है, उस हेडर फाइल को हम हमारे प्रोग्राम में लिंक करके क्या कर सकते हैं? उस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर किया गया फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो उनमें से कुछ हेडर फाइल्स के बारे में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि stdio.h, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमें प्रोवाइड करता है कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस। मतलब जैसे कि अगर आप यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, यूजर को आउटपुट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शंस हमें चाहिए, जैसे कि प्रिंटएफ फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन, गेट्स फंक्शन, पुट्स फंक्शन, ऐसे कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शंस को, लाइब्रेरी फंक्शंस को हमें अगर प्रोग्राम में यूज करना है, तो ये सारे फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है कौन सा हेडर फाइल? stdio। तो अगर हम ये सारे फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में हमें लिंक करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर हेडर फाइल को। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ हेडर फाइल इज कोनियो। कोनियो मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे कंसोल मतलब क्या? कंसोल मीन्स द आउटपुट स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर। जब भी हम प्रोग्राम को लिखते हैं, प्रोग्राम लिखने के बाद हम जो एक आउटपुट स्क्रीन हमें प्रोवाइड करता है हमारा प्रोग्राम, हमारा मॉनिटर का जो स्क्रीन है जहां पे हम आउटपुट देखते हैं, उसको हम बोलते हैं कंसोल। तो हम कभी भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम का जो आउटपुट है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन में हमें प्रॉपरली मिले, ओके, प्रॉपर वे में वो हमें रिप्रेजेंट करे आउटपुट को हमारे मॉनिटर स्क्रीन में, तो इसीलिए हम जिस तरह के फंक्शंस को यूज करते हैं, उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। ओके, और ये सारे फंक्शंस को हम मेनली यूज करते हैं जिस हेडर फाइल्स के द्वारा, उस हेडर फाइल को हम बोलते हैं कोनियो हेडर फाइल। ओके, उसके बाद और एक तरह का हेडर फाइल है stdlib, मींस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल हमें प्रोवाइड करता है कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। ओके, उसके बाद वैसे और भी कुछ तरह के हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि मैथ हेडर फाइल, जहां पे हमें मिलते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस, स्ट्रिंग हेडर फाइल, जहां पे मिलते हैं कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस, वैसे है टाइम हेडर फाइल, जहां पे मिलते हैं कुछ हमें डेट एंड टाइम फंक्शंस। ओके, तो ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं ये हेडर फाइल्स। तो जिस भी तरह का फंक्शन हमें यूज करना है हमारे प्रोग्राम में, उसी तरह का हेडर फाइल हम यूज करेंगे, लिंक करेंगे हमारे प्रोग्राम में, और लिंक करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में इजिली यूज कर सकते हैं। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हेडर फाइल्स क्या है। हेडर फाइल्स कुछ प्रीडिफाइंड फाइल्स हैं जिसके अंदर कुछ प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया होता है, जिस फंक्शन को कि हम हमारे प्रोग्राम में जब चाहे तब यूज कर सकते हैं उन हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करके। ओके, और ये हेडर फाइल्स को हमें हमारे सी प्रोग्राम में प्रोवाइड किया जाता है, क्यों? हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट को इजी करने के लिए। और इन्हीं हेडर फाइल्स को हम हमारे प्रोग्राम में लिंक कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर एंड .h एक्सटेंशन। तो देखते हैं सिंटेक्स कि हम कैसे लिंक कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं एक हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में। ओके, पहले हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर। जिस हेडर फाइल को लिंक करना है, उस हेडर फाइल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद हम यूज करेंगे .h एक्सटेंशन, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एक हेडर फाइल है। ओके, तो ये है उसका सिंटेक्स। तो एग्जांपल यहाँ पे एक लेते हैं, जैसे कि हम हर एक प्रोग्राम में लेते हैं stdio हेडर फाइल को, तो कैसे ऐड करते हैं? हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर,
उसके बाद हेडर फाइल का नाम, जिस हेडर फाइल को हम यूज करना चाहते हैं, और उसके बाद हेडर फाइल का एक्सटेंशन। ओके, और ये रहा हमारा एंगल ब्रैकेट, जिस एंगल ब्रैकेट के अंदर हम हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ आ गया हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल को हम क्यों यूज करते हैं, हेडर फाइल को हम कैसे हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं या फिर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, ये समझ आ गया हेडर फाइल के बारे में। अभी आते हैं लाइब्रेरी किसको हम बोलते हैं, या फिर लाइब्रेरी फाइल हम किसको बोलते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। ओके, तो जैसे कि हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले हेडर फाइल के बारे में, तो हेडर फाइल हम क्यों यूज करते हैं, हेडर फाइल के अंदर जो कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं, उस फंक्शंस को अगर हम प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो इसीलिए हम हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम में लिंक करते हैं, और तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उन फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो एक टर्म मैं हर बार बोल रहा हूँ कि हेडर फाइल्स के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था फंक्शन के बारे में, कोई भी फंक्शन अगर हम यूज करते हैं, हर फंक्शन का तीन एस्पेक्ट्स होते हैं, तीन फीचर्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल। ओके, तो अगर हम कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन को हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल करके यूज करना चाहते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर जब हम उसको कॉल करेंगे, तो कोई भी फंक्शन को कॉल करने से पहले उस फंक्शन को पहले हमें डिक्लेयर करना होता है, डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन करना होता है, फिर जाके हम उसको कहीं पे भी कॉल करके प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो नॉर्मली यूजर डिफाइंड फंक्शंस को तो हम डिक्लेयर भी, डिफाइन भी और कॉल भी प्रोग्राम के अंदर ही करते हैं, पर लाइब्रेरी फंक्शंस जो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हम किस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं, जिस तरह के फंक्शंस के स्ट्रक्चर को हम पहले से डिक्लेयर करते हैं, पहले से डिफाइन करते हैं, उस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, ये सारे एक एक तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस को कि हम पहले डिक्लेयर करते हैं, कहां पे, जो कि पहले से डिक्लेयर्ड होता है किसके अंदर, हेडर फाइल्स के अंदर। ओके, कोई भी हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग हेडर फाइल्स के अंदर जिस भी तरह का फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को हम डिक्लेयर करते हैं हेडर फाइल्स के अंदर। जैसे कि सपोज stdio हेडर फाइल है, तो stdio हेडर फाइल के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, जैसे कि printf फंक्शन है, scanf फंक्शन है, puts फंक्शन है, गेट्स फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो भी हैं, ये सारे एक एक तरह के लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस को कि हमने डिक्लेयर किया है जिस फाइल के अंदर, उस फाइल को हम बोलते हैं हेडर फाइल। ओके, दिस इज ए प्रीडिफाइंड फाइल इनसाइड व्हिच वी डिक्लेयर्ड सम लाइब्रेरी फंक्शंस। हम इस तरह के फाइल के अंदर सिर्फ क्या करते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस को या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं। बट हम कोई फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर करके तो यूज नहीं कर सकते, डिक्लेयर करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को डिफाइन करना होता है। डिफाइन हम क्या करते हैं, हम जब पढ़े थे फंक्शन डेफिनेशन, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करके हम क्या टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो कोडिंग लिखना है, उस कोड को हम डिफाइन करते हैं जिस एस्पेक्ट में या फिर जिस सेक्शन में, उसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, उसके लिए हमें जो स्टेटमेंट्स, जो कोड लिखने हैं, उन कोड्स को हम क्या बोलते हैं, उन कोड्स को डिफाइन जो करते हैं हम फंक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। तो वैसे ही कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन, कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन अगर हम हमारे प्रोग्राम में कॉल करके यूज करना चाहते हैं, तो उसको तो हमने डिक्लेयर किया हेडर फाइल के अंदर, और उसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करने के बाद डिफाइन करना पड़ेगा। तो जिस फाइल के अंदर हम डिफाइन करते हैं उन सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को, उस फाइल को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। ओके, इन सी लैंग्वेज लाइब्रेरी फाइल इज द पैकेज ऑफ कोड, और लाइब्रेरी फाइल इज अ फाइल व्हिच कंटेन्स द प्रीडिफाइंड कोड। ओके, जिन कोड को कि हम बार बार जहां पे चाहे हमारे प्रोग्राम में जितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते हैं, उन लाइब्रेरी फंक्शंस के डेफिनेशन हम जिस फाइल में करते हैं, मतलब उन लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर कोड हम ऐड करते हैं जिस फाइल में, उस फाइल को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। ओके, जैसे कि मुझे printf फंक्शन यूज करना है, तो printf फंक्शन को तो मैंने डिक्लेयर किया कहां पे, हेडर फाइल्स में,
हेडर फाइल्स में प्रिंटफ फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद वो प्रिंटफ फंक्शन क्या काम करेगा, वो प्रिंटफ फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, उसके लिए मुझे जो कोडिंग लिखना है जिस फाइल में हम कोड ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर प्रिंटफ फंक्शन के लिए, उस फाइल को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। ओके, हम कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं तो वो लाइब्रेरी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं जिस फाइल में, उस फाइल को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। ओके, समझ आ गया। तो वही लिखा है, इन सी लैंग्वेज लाइब्रेरी फाइल इज द पैकेज ऑफ द कोड व्हिच इज रीयूज्ड मेनी टाइम्स। हम जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते हैं सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को डिफाइन करते हैं हम जिस फाइल में, उस फाइल को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। ओके, तो लाइब्रेरी फाइल क्या करता है, लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स द फंक्शन बॉडी, मतलब जो जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस हम यूज करते हैं सारे लाइब्रेरी फंक्शंस के बॉडी पार्ट को कंटेंट करके रखता है, मतलब सारे लाइब्रेरी फंक्शंस किस तरह के टास्क परफॉर्म करेंगे उसके लिए जो कोडिंग हम लिखते हैं वो कोडिंग को हम जिस फाइल में स्टोर करके रखते हैं उस फाइल को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। ओके, मीन्स लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स द एक्चुअल कोड ऑफ द फंक्शन। एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हम जो कोड लिखते हैं उस कोड को कंटेंट करता है या फिर स्टोर करके रखता है जो फाइल, उस फाइल को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। समझ आ गया, लाइब्रेरी फाइल क्या है और हेडर फाइल क्या है। जितने भी सारे हम प्रीडिफाइंड फंक्शंस या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते हैं तो हमारे प्रोग्राम के अंदर उन लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल करके यूज करने से पहले उन लाइब्रेरी फंक्शंस को पहले हमें डिक्लेयर करना होता है, डिक्लेयर करने के बाद उसको हमें डिफाइन करना होता है। ओके, तो डिक्लेयर करते हैं उन लाइब्रेरी फंक्शंस को हम जिस फाइल में, उसको बोलते हैं हेडर फाइल, और उन लाइब्रेरी फंक्शंस को डिक्लेयर करने के बाद उनको डिफाइन करते हैं हम जिस फाइल में, उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। डिक्लेयर हो गया, डिफाइन हो गया, अभी हम क्या कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन को हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं, जहां चाहे वहां पे कॉल करके यूज कर सकते हैं टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो कोई भी लाइब्रेरी फाइल अगर हम यूज करना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन का लाइब्रेरी फाइल को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके कोई टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो प्रिंटफ फंक्शन वाले लाइब्रेरी फाइल को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्रिंटफ फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है जिस हेडर फाइल के अंदर, उस हेडर फाइल को हम प्रोग्राम में लिंक करेंगे, यूज करेंगे, तब जाके वो हेडर फाइल हमें अलाउ करेगा प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। वही लिखा है, व्हेनेवर वी वांट टू यूज एनी लाइब्रेरी फाइल, कोई भी लाइब्रेरी फाइल को, कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन को अगर हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो उस लाइब्रेरी फाइल या फिर उस लाइब्रेरी फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है जिस पर्टिकुलर हेडर फाइल के अंदर, उस हेडर फाइल को हम क्या करेंगे हमारे प्रोग्राम में लिंक करेंगे, तब जाके वो हेडर फाइल क्या करेगा हमें अलाउ करेगा उस हेडर फाइल के अंदर जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है उस लाइब्रेरी फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए। तो वही लिखा है, कोई भी लाइब्रेरी फाइल, कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उस लाइब्रेरी फाइल या फिर लाइब्रेरी फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन या फिर फाइल के हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड करके। ओके, या फिर उस पर्टिकुलर हेडर फाइल के द्वारा, जैसे कि प्रिंटफ लाइब्रेरी फंक्शन, स्कैनफ लाइब्रेरी फंक्शन, इन लाइब्रेरी फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है किस हेडर फाइल के अंदर, एसटीडीआईओ हेडर फाइल के अंदर। तो अगर मैं ये सारे लाइब्रेरी फाइल्स, लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करना चाहता हूं मेरे प्रोग्राम में तो कैसे यूज कर सकता हूं, उस उन सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को हमने डिक्लेयर किया है जिस हेडर फाइल के अंदर, उस हेडर फाइल के द्वारा। तो एसटीडीआईओ हेडर फाइल को मैं अपने प्रोग्राम में पहले लिंक करूंगा बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्रीप्रोसेसर, और उसको मेरे प्रोग्राम में लिंक करने के बाद वो हेडर फाइल हमें अलाउ करेगा उसके अंदर हमने जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं उन लाइब्रेरी फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए और यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी फाइल और हेडर फाइल के इनके बीच लिंक को इजीली समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। हेडर फाइल्स को हम कॉन्टेक्ट नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लाइब्रेरी फाइल को एक्चुअल पर्सन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि सपोज मुझे प्रोग्राम के अंदर यूज करना है प्रिंटफ फंक्शन। ओके, तो प्रिंटफ फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया है कहां पे, हेडर फाइल के अंदर, पर वो प्रिंटफ फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा उसको मैंने डिफाइन किया है कहां पे, लाइब्रेरी फाइल के अंदर। मतलब लाइब्रेरी फाइल के अंदर मैंने एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट किया है कि प्रिंटफ फंक्शन का टास्क क्या है। ओके, बट हेडर फाइल में मैंने सिर्फ उस प्रिंटफ फंक्शन को डिक्लेयर किया है।
ओके जैसे कि अगर आप एक्चुअल पर्सन, सपोज आप एक एक्चुअल पर्सन हो, आप एक पर्सन हो, अगर आपके साथ कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? कांटेक्ट नंबर यूज करके। अगर उसके पास कांटेक्ट नंबर होगा तो कांटेक्ट नंबर के थ्रू वो आपको कॉल करेगा और कॉल करके वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम कोई भी हेडर फाइल को यूज करना चाहते हैं, कोई भी फंक्शन को अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस फंक्शन को हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उस फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया कहाँ पे? हेडर फाइल में। तो हेडर फाइल में हमने जो फंक्शन को डिक्लेयर किया, मतलब हमने वहां पे, हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर है, ओके उस कॉन्टेक्ट नंबर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअल पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही हेडर फाइल्स के अंदर हमने मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, पर वहां पे हमने ये डिफाइन नहीं किया है कि वो फंक्शन क्या काम करेगा। वैसे ही कॉन्टेक्ट नंबर तो हमारे पास है, पर हमने उस इंसान के साथ बात नहीं किया है, ओके तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? जो भी फंक्शन हम यूज करते हैं, जो भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन को जबकि हम डिक्लेयर करते हैं हेडर फाइल में और उसको डिफाइन करते हैं लाइब्रेरी फाइल में, वैसे ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं हेडर फाइल को कॉन्टेक्ट नंबर के साथ और लाइब्रेरी फाइल को एक्चुअल पर्सन के साथ। ओके ये है एक्चुअल पर्सन। इसी एक्चुअल पर्सन को अगर हम, इस एक्चुअल पर्सन के साथ अगर हम बात करना चाहते हैं, इस एक्चुअल पर्सन के साथ ईमेल के हम कुछ काम करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? उसके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू उसके साथ कॉन्टेक्ट करके। तो वैसे ही अगर हम कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो उन लाइब्रेरी फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं? हेडर फाइल्स के थ्रू, क्योंकि हेडर फाइल्स में हमने डिक्लेयर किया है उन लाइब्रेरी फंक्शंस को। तो जब भी हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को लिंक करेंगे, वो हेडर फाइल हमें अलाउ करेगा क्या करने के लिए? उन हेडर फाइल्स के अंदर हमने जिस फंक्शंस को डिक्लेयर किया है, उस फंक्शंस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? लाइब्रेरी फाइल को हम कॉल कर सकते हैं और लाइब्रेरी फाइल में हमने जो उस फंक्शन को डिक्लेयर डिफाइन किया है, उसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं? इस फंक्शन को यूज करके हमारे प्रोग्राम के अंदर टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके समझ आ गया हेडर फाइल क्या है और लाइब्रेरी फाइल क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आया कि अगर हम एक लाइब्रेरी फाइल को हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, मतलब अगर हम एक कोई भी एक्चुअल पर्सन के साथ बात करना चाहते हैं, तो कैसे बात कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट नंबर अगर हमारे पास होगा तब जाके बात कर सकते हैं। वैसे ही हम अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी लाइब्रेरी फाइल को यूज करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? उसके हेडर फाइल्स के थ्रू, जिस हेडर फाइल में हमने उस लाइब्रेरी फंक्शन को डिक्लेयर किया है, उस हेडर फाइल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उन लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके तो ये रहा हमारा हेडर फाइल जिसके अंदर हमने मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। जिस भी फंक्शन को मैं अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूँ कुछ टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उस फंक्शंस को जहां पे डिफाइन किया गया है वो फाइल क्या है? लाइब्रेरी फाइल। मतलब अगर मैं एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी फाइल को यूज करना चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम में, तो उस लाइब्रेरी फाइल को मैं एक्सेस कर सकता हूँ या फिर यूज कर सकता हूँ मेरे प्रोग्राम में किसके द्वारा? हेडर फाइल्स के द्वारा, जिस हेडर फाइल के अंदर मैंने उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फाइल या फिर लाइब्रेरी फंक्शन को डिक्लेयर किया है। वैसे ही अगर मैं कोई एक्चुअल पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ? बाय यूजिंग द कॉन्टेक्ट नंबर। ओके अगर कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास होगा तब जाके मैं एक्चुअल पर्सन के साथ बात कर सकता हूँ और जिस भी तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ परफॉर्म कर सकता हूँ। वैसे ही अगर मैं कोई लाइब्रेरी फाइल को यूज करना चाहता हूँ, तो लाइब्रेरी फाइल को मैं यूज कर सकता हूँ हेडर फाइल्स के द्वारा। तो यहाँ पे हेडर फाइल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर के साथ और लाइब्रेरी फाइल को हम कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल पर्सन के साथ। ओके फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं प्रोग्राम का। जैसे कि सपोज मुझे यूज करना है SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन हमें प्रोवाइड करेगा कौन सा हेडर फाइल? मैथ हेडर फाइल। तो ये जो हमारा SQRT लाइब्रेरी फंक्शन है, ये लाइब्रेरी फंक्शन को होल्ड करके रखा है कौन सा हेडर फाइल? मैथ हेडर फाइल। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, तो कैसे यूज कर सकते हैं? मैथ हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिंक करके। ओके बाय यूजिंग हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर
मैथ फाइल को, मैथ हेडर फाइल को अगर हम हमारे प्रोग्राम में लिंक करेंगे तब जाके ये हेडर फाइल हमें अलाउ करेगा एसक्यूआरटी लाइब्रेरी फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज करके टास्क या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, समझ आ गया यहाँ पे कि हम कैसे मतलब दोनों के बीच लिंक क्या है, कि एक हेडर फाइल और एक लाइब्रेरी फाइल के बीच लिंक क्या है, इसके बारे में अभी हमने देखा। ओके, इतना समझ आ गया। तो जैसे कि हमें पता है कोई भी फंक्शन हम यूज करें, कोई भी फंक्शन हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो या फिर लाइब्रेरी फंक्शन हो, हर एक फंक्शन का तीन एस्पेक्ट होते हैं। एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, एक है फंक्शन डेफिनेशन, एक है फंक्शन कॉल। कोई भी फंक्शन हम यूज करें पहले उसको डिक्लेयर करना होता है, फिर उसको डिफाइन करना होता है, फिर हम उसको जहां पे यूज करना चाहते हैं वहां से हम इसको कॉल करके यूज कर सकते हैं। ओके, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये तीन एस्पेक्ट तो हम खुद डिफाइन करते हैं, पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, फिर डिफाइन करते हैं, फिर उसको कॉल करते हैं जहां पे हमें चाहिए यूज करना। ओके, बट लाइब्रेरी फंक्शंस को हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉल करके यूज करते हैं, उसको पहले से डिफाइन किया गया होता है, पहले से डिक्लेयर किया गया होता है। तो जिस फाइल के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया होता है उसको हम बोलते हैं हेडर फाइल, और जिन फाइल के अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस को डिफाइन किया गया होता है उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। तो वही लिखा है, सो इफ वी आर यूजिंग एनी लाइब्रेरी फाइल इन आवर प्रोग्राम बाय कॉलिंग देम, अगर हम कोई भी लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल करके हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो उससे पहले उसको कहीं ना कहीं डिक्लेयर एंड डिफाइन किया गया होगा। तो जहां पे हम वो लाइब्रेरी फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं उन फाइल्स को हम बोलते हैं हेडर फाइल, और जहां पे उन लाइब्रेरी फंक्शंस को डिफाइन किया गया है उन फाइल्स को हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। ओके, तो समझ आ गया कि हर एक फंक्शन का तीन एस्पेक्ट होता है, पर अगर हम कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल करके तो लाइब्रेरी फंक्शंस को डिक्लेयर किया जाता है जिस फाइल में उसको बोलते हैं हेडर फाइल, और डिफाइन किया जाता है जिस फाइल में उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल। ओके, इतना समझ आ गया। तो जैसे कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h, वैसे ही लाइब्रेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .lib। ओके, तो हेडर फाइल्स हम जो यूज करते हैं वो नॉर्मली टेक्स्ट फाइल्स के फॉर्म में होते हैं जिसको कि यूजर इजीली रीड कर सकता है, इसलिए अगर हम कोई भी लाइब्रेरी फाइल को यूज करना चाहते हैं उन लाइब्रेरी फाइल्स को हम एक्सेस करते हैं किसके द्वारा, हेडर फाइल्स के द्वारा। और ये जो लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं ये नॉर्मली किस फॉर्म में होते हैं, बाइनरी फाइल्स के फॉर्म में होते हैं, जिसको कि हमारा कंपाइलर इजिली क्या कर पाता है, इजिली अंडरस्टैंड कर पाता है, इजिली एक्सेस कर पाता है। ओके, हेडर फाइल्स को हम यूज करते हैं क्यों, फंक्शन डिक्लेरेशन करने के लिए लाइब्रेरी फंक्शंस को, और लाइब्रेरी फाइल क्या कंटेंट करता है, फंक्शन डेफिनेशन, जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते हैं उनको डिफाइन किया गया है जिस फाइल में उसको बोलते हैं लाइब्रेरी फाइल, और उनको डिक्लेयर किया गया है जिस फाइल में उसको बोलते हैं हेडर फाइल। ओके, तो समझ आ गया हेडर फाइल क्या है, लाइब्रेरी फाइल क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हेडर फाइल को लिंक किया है, हेडर फाइल का नाम क्या है, stdio। तो ये पर्टिकुलर हेडर फाइल हमने यहाँ पे क्यों लिंक किया है, printf फंक्शन को यूज करने के लिए। ओके, तो ये printf फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है किस हेडर फाइल में, stdio हेडर फाइल में। इस stdio हेडर फाइल में printf फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है, और उसके अंदर हम यूज करते हैं लाइब्रेरी फाइल को, जिस फाइल के अंदर इस पर्टिकुलर printf फंक्शन का डेफिनेशन प्रोवाइड किया गया है कि ये printf फंक्शन हम हमारे प्रोग्राम में किस तरह का टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, और अगर इस printf फंक्शन को हम हमारे प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिक्लेयर किया गया है जिस हेडर फाइल में, उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में लिंक करेंगे तब जाके ये हेडर फाइल हमें अलाउ करेगा इस फंक्शन को हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए। इसीलिए हमने यहाँ पे पहले लिंक किया है stdio हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में, जबकि ये हमें अलाउ करता है उसके बाद printf फंक्शन को हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए। ओके, समझ आ गया हेडर फाइल और लाइब्रेरी फाइल के बारे में कि हेडर फाइल क्या है, लाइब्रेरी फाइल क्या है, इसको हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।